हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के ट्रेलर पे, जो कि कल रिलीज हो चुका है। अगर आपने 2002 में द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो देखी हो तो वो तो आप जानते हैं, मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन था, इट इज बेस्ड ऑन अ नॉवल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो 2024 में, देखते हैं इसमें क्या कुछ नया है। दोस्तों, मूवी फ्रेंच में होने वाली है, ये इंग्लिश में भी डब होके आएगी। अभी आप चाहें तो सबटाइटल्स इंग्लिश में चेकआउट कर सकते हैं। The Count of Monte Cristo। दोस्तों, ये था ट्रेलर द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का। एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं आपको मूवी का, क्या है। ये दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की स्टोरी है और साथ ही में इसमें एक रोमांटिक एंगल भी है। तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। ये आप थिएटर में नहीं आएगी, ऑब्वियसली OTT में आएगी, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको वो हिंदी फिल्मों वाला मसाला इसमें दिखेगा। मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसका जो 2002 में जो मेक हुआ था इस नॉवल का, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का, तो ये ऑलरेडी काफ़ी हिट है। तो 2024 में उन्होंने थोड़ा सा नया उसको लुक दिया। फ्रेंच मूवी है बेसिकली, तो ये इंग्लिश में डब होके रहेगी। आपको ट्रेलर कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो उसके बाद हमें ये बताइए कि क्या आपने काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का नॉवल पढ़ा है। और दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।